डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण कोई भी सत्कर्म करने पर भगवान से ये नहीं कहता कि मुझको सुखी करो, मेरे छोकरों को सुखी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे देश को सुखी करो, समस्त जगत को सुखी करो। ब्राह्मण परवेश से प्रार्थना करता है कि समाज को सुखी करो। ब्राह्मण अवतार सुख भोजने के लिए नहीं, समाज को सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं कि ये पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ में तो हमको सेवा करनी चाहिए, इसके बदले हम तो इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। राम जी के दर्शन करते करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्री राम परमात्मा है, उनके दर्शन करने से महाराज की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। स्वदीप दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसको स्वयं का दोष जल्दी बोध दिखता नहीं है। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई थी, वो नहीं, और कदाचित हुई हो तो वह बिल्कुल साधारण है, वह कोई बड़ी नहीं भूल नहीं कराती। मनुष्य को स्वयं के दोष का नहीं, परमात्मा के दर्शन करने पर तुमको अपने दोष का भान हो, तुम्हारी मन बुद्धि सुधरे तो मानना कि ठाकुर जी ने मुझे सन्मुख देखा है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसकी दोष स्वदोष पर का भान होता है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसको भी किए हुए पाप के लिए हृदय में पछतावा होता है। श्री राम के दर्शन के पीछे मारित हुआ होगी बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन बुद्धि सुधरती है, तब मारित हुआ तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम राम जी के प्रेम से याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी सुधरेगा। मारित को परम आश्चर्य हुआ, विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है, इन बालकों को देखकर बुद्धि बदल गई है, आज मेरा मन मेरे हाथ में नहीं रहा, मुझे इन बालकों से मिलने की इच्छा होती है, इन बालकों के साथ लड़ना मुझे कुछ रुचता नहीं है, मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासन पर पधार कर सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूँ, इनके चरणों में सेवा करूँ। ये सुंदर कितने सुंदर दिखते हैं, ये ऋषि इन बालकों को कहाँ से लाया है, ये किसके बालक है, जगत में मैंने ऐसे बालक देखे नहीं। मारिच में वो एक नज़र देखकर राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए। मारिच ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल है, इसके साथ मुझे युद्ध करना नहीं चाहिए, ये दरवाजे के अंदर से आते नहीं है, एक ही मंडप के चारों तरफ दरवाजा है, इसलिए दूसरे दरवाजे से मैं भी अंदर जाऊँगा। वे दूसरे द्वार पर गए तो वहाँ भी राम श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे, तीसरे चौथे द्वार पर भी तो फिर वहाँ श्री राम और लक्ष्मण का पहरा था, प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारिच को आश्चर्य हुआ, ये सब बालक एक से ही लगते हैं, ये एक ही है अथवा अलग अलग है, मुझको ये क्या दिखता है, प्रत्येक दरवाजे पर श्री राम और लक्ष्मण विराजे। राम जी हमें एक बोध देते हैं कि तुम भी जब यज्ञ करो तब अपने दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराओ। वो प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण पधारते हैं, उसका ही यज्ञ सफल होता है। सत्कर्म करने बैठो कि मारिच स्वभाव विघ्न करने आते हैं, काम क्रोध लोभ अंध अहंकार ये सब मारिच स्वभाव है। वेद के अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, कितने यज्ञ तो ऐसे ही है कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को करने का अधिकार ही नहीं है, ब्राह्मण ही इन यज्ञों को अधिकार है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं जिन्हें करने का अधिकार ब्राह्मणों को भी नहीं है, जो अग्निहोत्री हो उनको ही उन यज्ञों का करने का अधिकार है। वेद में एक ऐसा लिए बताया है जिसे करना अधिकारी सबको है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधु सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन इसको भी यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर यज्ञ भूमि है, शरीर रूपी यज्ञ भूमि में आत्मा परमात्मा का मिलन महान यज्ञ है। परमात्मा से मिलना, परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करना महान यज्ञ है। एक पैसे का भी खर्च नहीं, बड़ा यज्ञ करो तो पैसा खर्च करना पड़ता है, अनेक लोगों को भी जरूरत पड़ती है। ये यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पैसे की खर्च भी नहीं करना पड़ता, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, उसको करने का अधिकार सबको है। शास्त्र में ऐसा लिखा कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल होती है, ब्राह्मणों की मतलब बोलने की भूल होगी, अविद्रव्य शुद्ध न हो तो भूल होगी, और इसी से अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित बिना कोई यज्ञ पूरा होता नहीं है, यदि यज्ञ तो अनेक बार मारता है, यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा है जो अत्यंत सरल है, निर्दोष है, वह जो है जप यज्ञ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है कि यज्ञानाम जपय यज्ञोऽस्मि, प्रातःकाल में स्नान करके पवित्र आसन में बैठ कर परमात्मा के स्वरूप को अपने आसन में पहुँचाओ, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो, भगत स्वरूप में आंख को स्थिर करो और पूछे उस स्वभाव को, उस स्वरूप को आंख के मार्ग से अंदर उतार करो, यह स्वरूप मेरे हृदय कमल में है, ऐसी भावना रखकर मन में परमात्मा को मंजो, जिस देव की तुम सेवा करते हो
जिस देव की तुम नित्य परिचर्या करते हो उस देव को आंख के मार्ग से अंदर पर धार कर हृदय सिंहासन पर स्थिर कर तुम भगवान को मन में सजाओ। आंख से दर्शन करते करते, कान से सुनते सुनते, मन से लड़ते लड़ते, करते करते जब करोगे तो समाधि लग जाएगी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगी। ये एक बड़ा यज्ञ है, परंतु जब तुम यज्ञ करने बैठते हो तब आंख रूपी दरवाजे से, कान रूपी दरवाजे से मारित स्वभाव अंदर आते हैं। इंद्रिया द्वार हैं, इंद्रिया द्वार में से मारित स्वभाव अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं। विषय ही मारित है, परंतु इसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान के नाम की रट लगाती है। उसकी एक एक इंद्रिय के में भगवान विराजते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर परमात्मा पधारोगे। राम जी को देखो, आँख में, कान में, मुख में, इंद्रिय में, द्वार पर परमात्मा पधारेंगे। और प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर राम जी के विराज हो तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। श्री रामचंद्र जी इंद्रियों को द्वार पर रखोगे तो मारित स्वभाव अर्थात विषय विकार बिक्र कर सकेंगे नहीं। विषय विकार जल्दी मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर श्री राम जी का लक्ष्मण को पधराओ, परब्रह्म और पर शब्द ब्रह्म को पधराओगे तो तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न हो पूर्ण होगा। तुम जप करके बैठो, तब घर में कोई आवे तो उस पर नज़र रख डालना नहीं। तुम जिस पर नज़र डालोगे उसको मन में देना नहीं। मन का एक निश्चय है कि जहाँ आँख थे वहीं वह जाता है। जागृत अवस्था में मन आँख में होता है, जिसको दृष्टि देते हैं तो उसको मन दिए बिना छुटकारा होता नहीं है। तुम माला करने बैठो तब तो कोई आवे तो उस पर आँख डालो नहीं, उसका मुख देखो नहीं। मनुष्य में जो रजोगुण है उससे उसका मुँह देखने से ये रजोगुण तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे मन को हिलाएगा, चंचल बनाएगा। जब करने बैठोगे तो आँख से भगवान को रखो, कान में भगवान को रखो। कदाचित तुमको शंका होगी कि महाराज कान में ठाकुर जी किस तरह रहेंगे। तुम जिस मंत्र का जप करोगे उस मंत्र के शब्द को अपने कान से सुनो। मंत्र में एक एक अक्षर में दिव्य शक्ति है। कान से मंत्र अक्षर सुनने का, जप करने का अभ्यास डालोगे तो घर में कोई आवे और कोई बोले तो तुमको सुनाई देगा नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि नोट गिनते बैठे हो तब कोई बोले तो उनको सुनाई देता नहीं, परंतु माला जप करने बैठे हैं तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा न करो, कान में भगवान को पधराओ। अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कान से भक्ति करता है परंतु आँख से नहीं करता। फिर कितने ही आँख से भक्ति करते हैं परंतु उस समय जीभ से भक्ति करते नहीं। खूब ध्यान से रखना है कि जिस इंद्रिय से भक्ति तुम नहीं करोगे उस इंद्रिय में से मारित स्वभाव प्रवेश करेंगे और संभव है कि उस इंद्रिय द्वारा पाप हो। पाप अति सूक्ष्म है। पाप जब होता है तब जीव को खबर पड़ती नहीं है कि मेरी आँख पाप करती है, मेरी आँख में पाप जागा है, मेरी आँख में काम आया है, मारित स्वभाव आए हैं। मानो अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ तो यह मंदिर है इसलिए भक्ति करता हूँ, दूसरे इंद्रियों में पाप भी करता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति के रस का पान करना आवश्यक है। ज्ञानी महात्मा इंद्रियों का दरवाज़ा बंद रखते हैं और वैष्णव प्रत्येक द्वार पर परमात्मा को पधारते हैं। इंद्रिय रूपी द्वार पर परमात्मा को रखोगे तो वह यज्ञ सफल होगा, नहीं तो मारित स्वभाव आकर यज्ञ में विघ्न डालेंगे। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तो मंडप के प्रत्येक द्वार पर श्री राम लक्ष्मण का पैरा हो देते हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ का परमात्मा ने रक्षण किया। निंद्रा का त्याग करके ये दिवस यज्ञ का रक्षण किया। मारित स्वभाव को प्रभु ने उद्धार किया। विश्वामित्र यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। रामायण में बहुत प्रकार के शास्त्रज्ञों का वर्णन है। अनेसे अस्त्र, वायव्य अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वर्माअस्त्र, इन सब शस्त्रों का दान और ज्ञान विज्ञान विश्वामित्र जी ने रघुनाथ को दिया। इसी ने श्री राम लक्ष्मण को बला अतिबला विद्या भी सिखाई। बला अतिबला विद्या जानने वाले को भूख प्यास पीड़ित नहीं कर सकती। और इस तरह आगे में आपको तब तक के लिए जय सियाराम।